मैं गुजर गई पर कोई तुमसा नहीं मिला। लोग यूं ही कहते हैं कि खोजने से खुदा भी मिलता है। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिव्या भारती, सुंदरता ऐसी थी कि आज होती तो अच्छे से अच्छी एक्ट्रेस को मात देती। पर वो कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा ना किसी को कुछ मिलता है ना मिलेगा। वही हुआ 19 साल की यंग एक्ट्रेस के साथ। एवरीथिंग वॉज टू परफेक्ट इन हर लाइफ। शी वॉज डूइंग वेल, शी वॉज सक्सेसफुल, शी वॉज टैलेंटेड और शुरुआत से ही वो पीक पर थी। बट डेस्टिनी हैज सम अदर प्लान्स फॉर दिव्या भारती। अस्पताल का एक कमरा और कमरे में जिंदगी की आखिरी सांसें गिनती एक लड़की जो अपनों से कहती है, अब बहुत देर हो गई, मुझे रोकर मत विदा करो, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी मांग में सिंदूर भी है। ये लाइनें थी दिव्या भारती के ही एक फिल्म की। सीन है 31 जनवरी 1992 में आई फिल्म दिल का क्या कसूर का, जिसमें एक्ट्रेस दिव्या भारती अपने परिवार वालों की बाहों में दम तोड़ते हुए ये अल्फाज कहती है। पर क्या आपको पता है, इस फिल्म के तकरीबन एक साल बाद ही अप्रैल 1993 में दिव्या भारती ने असल जिंदगी में भी कुछ इसी तरह अपनों की बाहों में दम तोड़ दिया, वो भी महज 19 साल की उम्र में। दिव्या भारती का फिल्मी सफर सिर्फ 2 से 3 साल तक का रहा। इसके बावजूद इस अदाकारा की शोहरत, हुनर और उनकी जिंदा दिली के किस्से आज भी जिंदा है। वो बेहद दिलखुश, चंचल, चुलबुली, हुनरमंद, थोड़ी सी मूडी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, चेहरे पर गजब की कशिश लिए एक यंग टैलेंट थी बॉलीवुड इंडस्ट्री की। 1992 में आई दीवाना दिव्या के करियर की बहुत बड़ी हिट थी। दीवाना के निर्माता गुड्डू धनुआ बताते हैं, दिव्या कमाल की एक्ट्रेस थी, वन टेक एक्ट्रेस, डांस मास्टर सेट पर सिर्फ एक बार स्टेप्स दिखाते थे और दिव्या तुरंत बोलती थी कि शॉट ले लो, उनको रिहर्सल की भी जरूरत नहीं थी। शिमला में ऐसी दीवानगी की शूटिंग थी और 104 डिग्री बुखार होने के बावजूद दिव्या ने शूट किया था। हमें 3 दिन में गाना खत्म करना था, लेकिन मना करने के बावजूद दिव्या बिना आराम किए शूट करती रही। ये इंडस्ट्री में इतने कम वक्त के लिए थी कि इनके पुराने इंटरव्यू वीडियोस भी ज्यादा नहीं है। मसलन एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि उनका एम्बिशन क्या है, तो वो कहती हैं, सपना टॉप पर पहुंचने का है, लेकिन किसी की मदद नहीं चाहिए, जो भी बनूंगी अपने दम पर बनूंगी, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। ये जानकर आप समझ गए होंगे कि दिव्या कितनी आत्मविश्वासी, खुददार और महत्वाकांक्षी थी। मुंबई में रहने वाली दिव्या मानिक जी कपूर ट्रस्ट स्कूल में पढ़ाई करती थी, जहां उनके बैच में फरहान अख्तर और शर्मन जोशी भी थे, लेकिन दिव्या की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। दिव्या को एक्टर जितेंद्र बेहद पसंद थे, वो उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। आपको बता दें, जब दिव्या स्कूल में थी तभी से ऑफर आने लगे थे। दरअसल हिंदी से भी पहले दिव्या की तेलुगु फिल्म बोगली राजा 1990 में वेंकटेश के साथ रिलीज हुई और जबरदस्त हिट हुई थी। तेलुगु फिल्म से ही वो बड़ी स्टार बनी थी और बाद में बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे। तमिल और तेलुगु फिल्में रिलीज होने के बाद राजीव राय ने उन्हें 1992 में विश्वात्मा में हिंदी फिल्मों में ब्रेक दिया। साल 1992 में एक ही महीने में आई विश्वात्मा, शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, एक नई हीरोइन की 3 फिल्में लगातार रिलीज हुई। जून 1992 में आई दीवाना, जहां ऋषि कपूर और शाहरुख खान के बीच दिव्या ने सबको उनको नोटिस करने पर मजबूर किया और वो मशहूर हो गई। एक बार दिव्या की एक्टिंग के बारे में उनकी मां ने बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू में बताया था, पहलाज नेहलानी की फिल्म शोला और शबनम में दिव्या का सीरियस सीन था, लेकिन दिव्या बैट बॉल खेलने में लगी हुई थी। निर्देशक डेविड धवन ने दिव्या को टोका कि बी सीरियस। दिव्या ने पलट कर कहा कि अगर मेरा मरने का सीन है तो मुझे वाकई मरना पड़ेगा। दिव्या बोली कि आप कैमरा ऑन करो और मेरे से गलती हो गई तो फिल्म छोड़ दूंगी। फिर वो गाना शूट हुआ, तू रूठा तो रूठ के इतनी दूर चली जाऊंगी,
जिसको रात को डेविड देख रहे थे और देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। निर्माता पहलाज निहलानी दिव्या की मौत के बाद सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में से थे। दीवाना के निर्देशक गुड्डू धनुआ कहते हैं कि काम के वक्त वो कमाल करती थी और काम के बाहर शरारते। दिव्या के बारे में फोटोग्राफर आरटी चावला ने बताया, दिव्या का जन्मदिन था। जब भी कोई सितारा आता तो दिव्या उत्साहित होकर मुझसे कहती, चावला अंकल मेरा फोटो जेके श्रॉफ के साथ खींच दो। कभी कहती मेरा फोटो गोविंदा के साथ खींच दो। पर आखिर के दिनों में दिव्या का नेचर कुछ बदल गया था। उन दिनों महबूब स्टूडियो में फिल्म रंग की शूटिंग चल रही थी। मैंने उन्हें हाय कहा पर दिव्या ने जवाब नहीं दिया। मैं काफी हैरान हुआ। उसी दौरान दिव्या की पर्सनल लाइफ में काफी कुछ चल रहा था, खासकर जब खबर आई कि दिव्या ने निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली है। तब दिव्या सिर्फ 18 साल की थी। शोला और शबनम के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। दिव्या की मां के इंटरव्यू के मुताबिक शुरुआत में परिवार शादी से खुश नहीं था, लेकिन बाद में सबने स्वीकार कर लिया। 5 अप्रैल 1993 की रात को दिव्या की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। उस रात क्या क्या हुआ इसका ब्यौरा तब से लेकर अब तक अनगिनत बार अपने अपने हिसाब से सबने बताया, लेकिन दिव्या के माता पिता ने अपने इंटरव्यू में जो कहा वो ये है, उस शाम दिव्या ने कहा मुझे खुद का घर लेना है। हम सब घर देखने गए। रात में फोन आया कि नीता लूला घर पर है और कॉस्ट्यूम देखने हैं। मैं रास्ते में उतर गया और दिव्या का भाई उसे छोड़ने गया। दिव्या के घर में हमारे मेड नीता लूला और उनके पति थे। 15 मिनट बाद फोन आया कि दिव्या बालकनी से गिर गई। वो शरारती थी, मस्ती मस्ती में दुर्घटना हो गई होगी। आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी वो। कौन मारेगा उसको और क्यों? उस सुबह का जिक्र करते हुए फिल्म फोटोग्राफर आरटी चावला बताते हैं, मेरा बेटा और मैं अंतिम संस्कार पर पहुंचे तो दिव्या भारती को लिटाया हुआ था लाल चुनरिया के साथ। मैं दिव्या को देखता ही रह गया और रो रहा था। किसी को नहीं पता था कि मेरा और दिव्या का कितना गहरा रिश्ता था। बतौर फोटोग्राफर मजबूरी में अंतिम संस्कार की फोटो भी खींच रहा था। दिव्या के पति साजिद ने जब दिव्या को देखा तो वो जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। दिव्या की मौत के बाद उनका परिवार और दोस्त सदमे में थे। दिव्या के पति साजिद की बात करें तो तमाम अटकलों और साजिश की बातों के बावजूद दिव्या के माता पिता और साजिद के रिश्ते काफी अच्छे थे। 2004 तक साजिद की जितनी भी फिल्में आई उनकी शुरुआत में दिव्या की फोटो रहती थी और लिखा रहता था इन मेमोरी ऑफ माय लविंग वाइफ। बाद में साजिद ने वरदा खान से शादी की। साजिद ने इस मुद्दे पर मीडिया में बहुत कम बात की है, लेकिन सोशल मीडिया पर वरदा दिव्या से जुड़ी बातें कभी कभी शेयर करती रहती है। आपको बता दें 1993 में दिव्या की मौत के बाद उनकी लाडला श्रीदेवी को मिली, मोहरा रवीना को, हलचल काजोल को, विजयपत तब्बू को, कर्तव्य जूही को जैसी फिल्में दूसरी हीरोइनों को पूरा करना पड़ा। इसीलिए कहते हैं ना, क्या पता कब कहां क्या आखिरी हो। जाते जाते बस गुलजार की ये लफ्ज याद आते हैं, मौत का कुछ पता नहीं इसीलिए बात कर लिया करो, क्या पता फिर याद करो और हम ना रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और बाकी तमाम अपडेटेड स्टोरीज के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।